हेलो परी, नाराज है मुझसे? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी याद आ रही है। एक्चुअली अभी अभी हमारे ऑफिस में एक लड़की आई थी जॉब मांगने के लिए। वो हमारी कंपनी की कैंटीन चलाना चाहती है। उसे देख के मुझे तेरी याद आ गई। तूने भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है ना, किसी रेस्टोरेंट में शायद काम भी किया था। तूने मुझे कभी ढंग से बताया नहीं इस बारे में। आई वो सब पास था, अब बिजनेस ही मेरा पैशन है। लेकिन कुकिंग तेरी हॉबी है ना? देखा, तेरी आई को सब याद है। मुझे भी याद है। अच्छा तुझे पता है वो जो लड़की आई थी ना, उसे कुकिंग का बहुत शौक है। कह रही थी कि इट्स माय पैशन। पता है यहाँ इंडिया में बहुत कम लोग होते हैं जो कुकिंग को एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं। पता नहीं पर कुछ तो है उस लड़की में। अच्छा खैर ये सब छोड़, तू मुझे क्या कह रही थी कि वो सब पास्ट है, उसे भूल जाओ। हाँ देख परी, कुकिंग तेरी हॉबी है, करेक्ट? भले ही अभी तू बिजनेस में बहुत बिजी हो गई हो, दिन रात काम करती हो, और शायद अभी भी कर रही होगी, है ना? लेकिन बेटा इतना काम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तेजू मुझे बता रही थी कि तू आजकल बहुत खोई खोई रहती है, खाना पीना ढंग से नहीं खा रही। क्या हो गया है बेटा? देख प्लीज तू अपना ख्याल रख, वरना मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। कोशिश करूंगी, लेकिन आई मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, प्लीज वापस आ जा। परी मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, एक फोन आ रहा है। ठीक है। पता नहीं जब सबको पता चलेगा कि मैं मिस्टर ऋषभ कपूर से शादी कर रही हूँ तो सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या चल रहा है? जी वो मैं तैयारी कर रही थी, मैं दरअसल मानसी की चूड़ी रसम में जा रही थी तो। एक्सक्यूज मी, आज यहाँ मीठा खिलाने की रसम है। रौनक और किन्नरी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें मीठा बनाना है। अगर तुम अपने मायके चली जाओगी तो यहाँ ये रसम कौन पूरी करेगा? मैम मैंने मिठाई बना के रखी है अंदर। सॉरी टू इंटरप्ट यू ताई, लेकिन रौनक और किन्नरी के आने में भी काफी टाइम है। आई एम श्योर उसके पहले अंकिता वापस आ जाएगी, अब जाने दीजिए। करेक्ट अतु, देखिए आप दोनों तो यहाँ पर है ना रौनक और किन्नरी को रिसीव करने के लिए, लेकिन मानसी के पास कोई भी नहीं है। आप जानते हो मानसी के बाबा तो सुन हो जाते हैं, और उनके भाई बहन बहुत छोटे छोटे हैं, उन्हें रीति रिवाज कुछ भी नहीं पता। तो आना का वहाँ होना बहुत जरूरी है, और आना के साथ मैं भी, तो हम जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। ओके ठीक है, वेळेवर परत या। हाँ ऑफकोर्स, चलो आना। छी छी छी, मैंने देखो एक एक सस्ते सब के सब, जहाँ देखो पीतल पर सोने का पानी चढ़ा है। ऐसे गहने चुराएंगे तो एक दिन की दारू का इंतजाम भी ना ही हो। गहने चुराने का असली मजा तो नरेन के घर में, बड़े बड़े घर की चकाचक औरतें, असली हीरो का गहने फेंक, एक हाथ मारा तो जिंदगी भर की दारू फिक्स। मुझे भी आ रही चूड़ियां पहननी है। यहाँ पे आ बेटा, अभी तुम ना बहुत छोटी हो, तुम्हें बहुत टाइम है। तो क्या हुआ? हरी चूड़ियाँ सिर्फ शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं। अच्छा तो मैं भी शादी करूंगी शशांक जीजू या नरेन जीजू जैसे लड़की से। अच्छा मैं ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। हाँ अभी तुम डांस कितना अच्छा कर रही थी, जो भैया के साथ डांस करे जाओ। अरे अंकिता नहीं आई? आ जाएगी, उसके सगे देवर की अभी अभी शादी हुई ना, तो वही रसम में फंस गई होगी वो। मुझे तो ना मनु के लिए बुरा लग रहा है, आई तो है नहीं और बहन आई नहीं चूड़ी जैसी रसम में भी। अरे तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मानसी की आई नहीं है? मैं हूँ ना, वैसे भी सास माँ जैसी तो होती है, मैं उसे जाकर ले आती हूँ। तुम तब तक तैयारी करो, मैं मनु को ले आती हूँ। ठीक है? ठीक है। तुमने मेरी सुहागरात स्पॉइल की थी ना, मैंने तुम्हारी जिंदगी स्पॉइल कर दी। अब ना तुम अपना मुंह कभी किसी को दिखा पाओगी और ना ही कभी किसी के सामने खोल पाओगी। अरे मानसी
तुम अब तक तैयार नहीं हुई बेटा? कैसे तैयार हो सकती हूँ मैं? मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद तो मैं तेरी शादी नहीं कर सकती, लेकिन ना कर दूंगी तो हजारों सवाल उठेंगे, सबके सवालों का क्या जवाब दूंगी? क्या बात है बेटा? मैं जानती हूँ तुम्हें अंकिता की याद आ रही है ना, लेकिन तुम्हें कोई तैयार करने वाला नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। अगर मैंने सच्चाई बता दी तो एक मिनट में सब कुछ बिखर जाएगा। अंकिता ताई से लेकर सोनू, प्रणव, सबकी जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे चुप रहना ही होगा। चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। आई अब जाइए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। पूर्वी, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, सुबह से मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो तुम? पूर्वी मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अर्जुन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं बात समझ क्यों नहीं रहे? सबसे पहली बात, तुमने मुझसे झूठ कहा और अब तुम झूठ। मैंने कौन सा झूठ कहा तुमसे? कौन सा झूठ कहा मैंने? झूठ नहीं कहा तुमने मुझसे। तुमने मुझसे कहा कि आरके ने तुम्हें इस ड्रग्स केस में फंसाया। ये झूठ नहीं है क्या? झूठ है। और तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हो कि ये झूठ है? मुझे चड्डा ने बताया अर्जुन। चड्डा ने? पूरी चड्डा वो एक नंबर का कमीना आदमी, वो तुमसे कोई और बात करता है, मेरे साथ कोई और बात करता है, उसकी बात पे भरोसा करना सही नहीं है। एंड आउट ऑफ एवरीथिंग पूर्वी, मेरी बात का यकीन करो, ऋषभ कपूर तुम्हारे लिए सही नहीं है। हाँ अर्जुन, बाकी सब लोग बुरे है ना अर्जुन, सिवाय तुम्हारे। ये कहना चाहते हो ना तुम? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें वो ऋषभ कपूर पे भरोसा, मेरी बात पे भरोसा नहीं है? अर्जुन, वो मेरा होने वाला पति, तो ये मत भूलो कि मैं भी तुम्हारा पति था। तुम्हारी अच्छाई बुराई तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे क्या? आई एम सो हैप्पी अर्जुन कि एटलीस्ट तुम्हें याद तो है कि तुम मेरे पति थे, लेकिन वो मेरा पास था। अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ अर्जुन, जिस तरह तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े 20 साल पहले। तुमने मम्मी से शादी की ना, अब मुझे भी मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने दो। नहीं बढ़ने दे सकता तुम्हें आगे, इस तरह किसी के साथ भी नहीं। वो आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं, मेरी बात का यकीन करो। पूरी मैम, आज आप लंच पे क्या लेंगी? वेट, बिफोर दैट, हु आर यू? आई एम द न्यू शेफ, आज ही ज्वाइन किया है मैंने। मैंने अपॉइंट किया है। ओके सर, आप भी लंच करेंगे ना? What would you like to have? कुछ भी, just go ahead with anything. कुछ भी? सर, कुछ भी तो मेरे मेन्यू में नहीं है, but let me help you. आज के मेन्यू में है पुलाव, पास्ता, सैंडविच, इंडियन थाली. What would you like to have, sir? Just... नाम क्या तुम्हारा? सर, प्रिया त्रिवेदी. प्रिया, प्रिया त्रिवेदी. मेरे लिए कुछ भी कॉन्टिनेंटल ले, एनीथिंग। एंड मैम आप? इंडियन थाली। ओके, आप दोनों का खाना 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। एंड आई होप सर कि आप अपने खाने को इंतजार नहीं कराएंगे। यू नो व्हाट सर, सही वक्त का खाना और सही वक्त का फैसला दोनों इंसान की सोच और सेहत दोनों का तंदुरुस्त करता है सर, इसलिए आप अपने खाने को डिले मत करिएगा। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, ये कहाँ से सीखा तुमने? ये मैंने एक संस्कृत बुक में पढ़ा था। You may go. Thank you, sir.
तरह तुझे अब हल्दी कुमकुम लगाई जाएगी और शगुन के तौर पे ये हरी चूड़ियां तेरी कलाइयों में चढ़ेगी। क्या करी, मैंने कल ही तो तुझसे बात की थी। मॉम रिलैक्स रिलैक्स, अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे दे पाती। और जब कल तुमने कॉल किया था तब मैं एयरपोर्ट पे थी। तुझे पता है मॉम, मुझे जॉब मिल गया है। जॉब? हाँ। तू जॉब करेगी? कहाँ पे? कैंटीन में। कैंटीन में? कोई ऐसी वैसी कैंटीन में जॉब नहीं करूंगी, मैं करूंगी जॉब अपने डैड की कंपनी में और मैं पूर्वी मासी के साथ काम करूंगी। एक्साइटेड ना? पिया तो तू सब जानती है, क्यों कर रही है ये सब? आज के तारीख में यार पूर्वी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। मैं जानती हूँ मॉम, और इसीलिए तो मैं यहाँ पे सब ठीक करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा और पूर्वी मासी का रिलेशन सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मॉम मैं जानती हूँ कि तुम अपने फैमिली को कितना मिस करती हो। मैं अपनी बहन के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो मुझे लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई। वहाँ पे सिंगल मदर होते हुए आपने मुझे वो सारी खुशियाँ दी जो एक नॉर्मल पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। पर पता है मुझे क्या लगता है कि आपका आपके फैमिली से सेपरेट होने का रीजन शायद मैं ही थी। शायद मेरी वजह से आप अपने फैमिली से सेपरेट हो गए, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप और आपकी फैमिली अब वापस मिले, और मैं ये जरूर करूंगी मॉम। भैया ये सब इतना इजी नहीं है, ये फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेंगी मॉम, जरूर करेंगी। व्हाई नॉट, जब डैड और पूर्वी मासी वापस मिल जाएंगे तो आपकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। मॉम मैं मानती हूँ कि आपसे गलतियां हुई हैं, पर गलतियां तो सबसे होती है ना मॉम, और इसीलिए आप इन सब गलतियों को सुधारने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं पूर्वी मासी और डैड को वापस मिलाऊंगी, ट्रस्ट मी मॉम। प्रिया ये सब सॉल्व नहीं हो सकता है, तू कुछ नहीं जानती है। मैं सब जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए तुम वापस इंडिया आई हो, और तुम दोनों ये बात मौसी से छुपा रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मौसी को अब सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मॉम मैं जानती हूँ कि आज सारी गलतफहमियां दूर हो रही हैं और तुम वापस अपनी फैमिली से जुड़ सकती हो, पर तुम ये नहीं करोगी ना, क्योंकि तुम्हें अभी भी डैड और पूर्वी मासी की चिंता है। तुमने अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी उनकी वजह से, पर मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं पूर्वी मासी और डैड को वापस मिलाऊंगी, और तुम्हें तुम्हारे परिवार से। देख पिया तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। अच्छा ये सब छोड़, तू अपने डैड से मिली? आपने जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही है वो, और उन्होंने उन्होंने पहचाना तो होगा नहीं तुझे? Obviously मॉम, कितनी छोटी थी मैं जब उनसे लास्ट मिली थी मैं। He's so charming, but मॉम promise me one thing कि आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं उनकी बेटी हूँ। प्लीज एक बार मुझ पे ट्रस्ट कर लो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। प्लीज मॉम प्लीज। ओके वैसे तो रुकी कौन से होटल में? यूथ होटल में मॉम। अच्छा मॉम अब मैं चलती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि डैड मुझे यहाँ देख ले। अपना ख्याल रखना। चलो मैं जाती हूँ। हाँ संभाल के जाना। हाँ पांसी, I'm sorry. मुझे पता है मैं लेट आई, लेकिन मैं क्या करती तू बता। वो घर पे इतनी सारी रस्में थी, मैं आना चाहती थी, हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन I'm sorry, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तो रो क्यों रही है, अब तो तेरी तरह आ गई है ना।
प्लीज हंस दे, प्लीज मेरे लिए। अच्छा चलो अब ये रोने रोने में टाइम चला जाएगा, अब तो हमारी मानसी के हाथ में चूड़ियां भरने वाली है ना। चूड़ियां अंकिता, इस रस्म के लिए 5 सुहागन औरतों की जरूरत पड़ेगी। एक मैं हूँ, एक तुम हो, एक रेणुका ताई है और चौथी सरिता ताई है, लेकिन पांचवा वो। हाँ आइडिया, अब 5वीं सुहागन की रस्म मैं पूरी करता हूँ, मैं अपनी घड़ी पहना दूंगा मानसी को। ओके नरेन सर, नरेन सर आप ये क्या बोल रहे हैं, ये रस्में सिर्फ औरतें करती हैं, आप नहीं कर सकते। अरे क्यों क्यों नहीं दे सकता? साहब समझने की प्लीज कोशिश कीजिए सर, ये रस्में सिर्फ वो औरतें कर सकती है जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपनी जिंदगी में खुश है। आप नहीं कर सकते, सिर्फ औरतें कर सकती है। अरे तो मैं भी तो हूं ना हैप्पी मैरिड लाइफ का पार्ट, है ना, ना? तो मैं भी कर सकता हूँ, ये हूं ना हैप्पी मैरिड लाइफ, तुम भी हो ना, बताओ मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं सर, मैं आपसे नहीं। ओके ओके, आहना एम्बैरेस हो रही है इसलिए ये घड़ी बनाने की रस्म कैंसिल। ओके मेरी तरफ से आहना ही अपनी चूड़ियां बना देगी। ओके हैप्पी एवरीबॉडी। तो मैं मानसी को चूड़ी बना देती हूँ। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि मेरी तरह तुम्हारी शादी भी ऐसे ही कटे, हैप्पी मैरिड लाइफ। पांचवी सुहागन औरत, पांचवी सुहागन खुद दरवाजे पर चलकर आई है। लो पांचवी सुहागन भी आ गई। किन्नरी तुम यहां? अंकिता तुमने ही कहा था ना कि हम दोनों देवरानी जेठानी नहीं है बल्कि एक दूसरे की बहन है, तो तुम्हारी बहन मेरी भी बहन हुई ना। पूरे हक से आई चूड़ी की रस्म करने, वैसे भी मैं मानसी की संगीत पर तो आ नहीं पाई, तो सोचा यहाँ चलकर उसे बेस्ट विशेस दे दूँ। बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आई। अरे वाह अंकिता की देवरानी कितनी अच्छी है, कल ही शादी हुई और आज जिठानी की बहन की रस्म में भी आ गई। आजकल की लड़कियों में इतनी समझदारी बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पांचवी सुहागन जो आ गई वो भी नई नवेली दुल्हन। ऐसी सुहागन के हाथों से अगर रस्म हो ना तो शुभ माना जाता है। आओ बेटा चूड़ियां पहनाओ, दुआ करो कि इसे भी तुम्हारे जैसा सुहाग मिले। बिल्कुल। चूड़ी तो मैं तुम्हें दूंगी, और चूड़ी ही क्यों, अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा भी मांगा होता ना तुमने, तो भी मैं तुम्हें मना नहीं करती। मुझे सब पता है तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था, सब कुछ पता है, पर हाँ मैं तो कुछ बोल नहीं सकती और तुम भी कुछ ना बोलो इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं
किस पे तरस खाऊं, तुम पर या अपने आप पर? मैं तो तुमसे ठीक से नफरत भी नहीं कर सकती, क्योंकि किस्मत तो मेरी खराब है कि एक घटिया इंसान के साथ मेरी शादी हुई। पर तुम्हें पता है मानसी, मैं यहाँ क्यों आई? मुझे जानना था कि तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। मानसी, मैं अकेली नहीं आई हूँ, अपने साथ रौनक को लेकर आई हूँ तुम्हें विश करने के लिए। रौनक। हाय मानसी।